गुड मॉर्निंग टू ऑल. वेलकम टू पीपीएस सिक्स्थ क्लास. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर सेकंड, नादान दोस्त. नादान का अर्थ होता है ना समझ, दोस्त मित्र. और इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद. केशव के घर में कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे. कार्निस का अर्थ होता है छज्जा. केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे. सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते. उनको देखने में दोनों बच्चों को नामालूम क्या मज़ा मिलता. दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी. सुध का अर्थ है होश. दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते. अंडे कितने बड़े होंगे, बच्चे किस रंग के होंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, पर का अर्थ है पंख, घोंसला कैसा है. लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं. ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को ऑफिस के काम से. ऑफिस का अर्थ है दफ्तर या कार्यालय. दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे. तसल्ली का अर्थ है दिलासा. श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे. केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बिना परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे. श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी. केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था. पेचीदा का अर्थ है कठिन, मुश्किल. इस तरह तीन चार दिन गुजर गए. दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी. जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा. अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे, अधीर उत्सुक. उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे. बच्चों के दाने का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ. चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे. गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे. इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे. अंदाजों ते अनुमान. दोनों ने फैसला लिया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए. श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को दाने के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा ना. केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी. श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी. केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था. बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं. आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया. स्वीकृत करते हैं स्वीकार. दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे. श्यामा माँ से आंख बचाकर मुहावरे, मटके से चावल निकाल लाई. केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा. अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे. बगैर करते बिना, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे. केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा. उधेड़ बुन कर देते सोच विचार में. आखिरकार
उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तुम टोकरी तो लाओ, मैं उसका सुराख बंद करने की हिकमत निकालूंगा। सुराख करते छेद, हिकमत तरीका उपाय, अच्छी और बढ़िया तरकीब। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सारे सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया, भर दिया, और अब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। हैव ए नाइस डे।